हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल द हिम्मत नर्सिंग एकेडमी क्वालिटी इन एजुकेशन। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अलग अलग बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो कौन से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं और किस बेसिस पे किए हुए हैं, तो ये पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन जो है वो अपन कह रहे हैं अलग अलग बेसिस पे किया हुआ है। किस किस बेसिस पे किया हुआ है, तो सबसे पहला बेसिस जो है वो अपन कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू साइज। किसका साइज? साइज ऑफ बोन या शेप ऑफ बोन। शेप ऑफ बोन के आधार पे अपन ने अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसमें अपन पढ़ेंगे लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन, नेक्स्ट फ्लैट बोन्स, फोर्थ वन इज द इररेगुलर बोन्स, फिफ्थ इज द सिसेमॉइड बोन, सिक्स इज द न्यूमॉटिक बोन्स। ये तो एक क्लासिफिकेशन हुआ। अपन ने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ शेप के हिसाब से अपन ने अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर बोन, सिसेमॉइड बोन एंड द न्यूमॉटिक बोन्स। पढ़ेंगे आगे डिटेल में अपन एक एक। फिर सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो अपन कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। बोन का डेवलपमेंट जो है वो किस हिसाब से हुआ, उस बेसिस पे अलग अलग किया हुआ है। तो अपन कह रहे हैं इसमें जो क्लासिफिकेशन है पहला डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसको कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन। सेकंड होता है मेम्ब्रेनस बोन, मेम्ब्रेनस। थर्ड इज द कार्टिलेजिनो मेम्ब्रेनस बोन या फिर मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस, कह लीजिए। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से तीन पार्ट? कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। नेक्स्ट अगर देखें और कौन से बेसिस पे किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो थर्ड बेसिस है वो है रीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। रीजन्स में दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसका पहला नाम है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन है ये, एक्सियल स्केलेटल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटल। नेक्स्ट फोर्थ जो बेसिस है इनका वो क्या हुआ है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बोन की स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे है इसके दो पार्ट में डिवाइडेड है ये। उसमें पहला जो है वो है मैक्रोस्कोपिक के आधार पे और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक के आधार पे। जो स्ट्रक्चर दिखती है उसके बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और इनके अगर एग्जांपल्स देखे जाए तो मैक्रोस्कोपिक में आया है आपका कॉम्पैक्ट बोन। कौन सा बोन? कॉम्पैक्ट बोन। और दूसरा होता है स्पॉन्जी बोन। जबकि माइक्रोस्कोपिक में अगर बोन के एग्जाम्पल्स देखे अपन तो कहते हैं फाइब्रस बोन और दूसरा होता है लैमिनार बोन्स। तो ये अपन ने पढ़े हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन जो है वो चार अलग अलग डिफरेंट हिसाब से अपन ने क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द रीजंस एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब अपन जो बात करेंगे डिटेल में वो पहला क्लासिफिकेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन, जिसमें अपन लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर सिसेमॉइड एंड द न्यूमॉटिक। बात करते हैं क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बोन के हिसाब से, तो शेप ऑफ बोन के हिसाब से अपन फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन में लिखा है वो है लॉन्ग बोन्स। कौन सा है? लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में क्या होगा, अपने को पता है लॉन्ग बोन्स जो है उसमें दो एंड्स होते हैं और बीच में शाफ्ट होती है। तो अपन कह रहे हैं कि इसमें लॉन्ग बोन्स जो है उसकी शाफ्ट जो है वो प्रेजेंट रहती है,
दूसरा इनकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ, लॉन्ग बोन की लेंथ ग्रेटर देन द विड्थ, इसका मतलब है कि ये लंबी होती है, लॉन्ग होती है, इसलिए ये लॉन्ग बोन्स काउंट होती है। तो क्या क्या एग्जांपल्स होंगे लॉन्ग बोन्स के, तो अपन जितने भी लॉन्ग बोन्स है हैंड और लेग के अंदर जो लॉन्ग बोन्स है उनके एग्जांपल्स हैं। तो सबसे लॉन्ग बोन जो होती है वो होती है फीमर, टीबिया, फिबुला, ठीक है, नेक्स्ट फ्यूरस, रेडियस, अल्ना, नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, मेटा टार्सल्स एंड फैलेंजेस। ये सब एग्जांपल्स जो बोन्स के हैं वो कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन्स है। क्या कैटेगरी है इनकी, लॉन्ग बोन्स के अंदर शाफ्ट होती है और दूसरा इसकी लेंथ ज्यादा होती है विड्थ के कंपैरिजन में। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड द फैलेंजेस। नेक्स्ट जो अपन कह रहे हैं कि फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, नेक्स्ट रेडियस, अल्ना, ये जो ढांच होती है वो अल्ना की होती है, अंगूठे की तरफ में जो है वो रेडियस होती है, तो रेडियस एंड अल्ना। नेक्स्ट कार्पल को छोड़ना है, मेटाकार्पल्स एंड द फैलेंजेस, ये एग्जांपल्स होंगे। लेग के अंदर जो है वही सेम फीमर, टीबिया, फिबुला, उसमें टार्सल्स को छोड़ना है, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, सेकंड शॉर्ट बोन्स के क्या क्या है। तो शॉर्ट बोन अपन कहते हैं इसका जो शेप होता है शॉर्ट बोन का वो क्यूब शेप होता है, कैसा होता है, क्यूब शेप्ड शेप की होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स हैं आपके टार्सल्स, कार्पल्स एंड द टार्सल बोन्स, याद रखिएगा कार्पल्स हैंड के अंदर है, टार्सल नेक के अंदर है, कार्पल्स 18 नंबर्स होती है और टार्सल 17 नंबर्स होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो थर्ड में अपन ने कहा था फ्लैट बोन्स, कौन सी बोन, फ्लैट बोन्स, नाम से पता लग रहा है कि शेप कैसा होगा, फ्लैट इन शेप होगी, शेप जो है वो फ्लैट है। एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे फ्लैट के, तो फ्लैट में अपन कह रहे हैं कि स्कैपुला, ब्रेस्ट बोन का है स्टर्नम, नेक्स्ट इज द स्कैपुला, ब्रेस्ट बोन, क्रेनियल बोन्स, ये सारी जो बोन्स आएगी वो फ्लैट बोन्स में है। फ्लैट बोन में कौन सी, स्कैपुला, ब्रेस्ट बोन एंड द क्रेनियल बोन्स आर फ्लैट इन नेचर। नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप्स है उसमें कहते हैं इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर का मतलब शेप कैसा हो गया, इररेगुलर शेप हो गया, कैसा हो गया, इररेगुलर इन शेप हो गया। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द इररेगुलर्स, इररेगुलर बोन के अगर एग्जांपल्स अपन कहें तो वर्टीब्रे जो है वो इररेगुलर होती है। नेक्स्ट अपन कहते हैं एक और इररेगुलर क्या, ईयर बोन्स आर इररेगुलर, आपकी हायोइड जो है वो इररेगुलर होती है। तो अपन कह रहे हैं कि इररेगुलर बोन्स के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे, वर्टिब्रे इररेगुलर है, ईयर बोन्स इररेगुलर है, हायोइड इररेगुलर है, फेशियल बोन्स आर इररेगुलर। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द इररेगुलर बोन्स। नेक्स्ट फिफ्थ जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन कह रहे हैं सिसमॉइड बोन जो है उसमें क्या होगा, सिसमॉइड बोन जो है वो एक सीसम सीड के शेप का होता है, सिसमॉइड बोन है ये, उसका नाम उस पर रखा हुआ है और ये टेंडन को खींचने में मदद करता है ये पटेला। और इसका जो एग्जांपल है वो है पटेला और एक एग्जांपल और है पीसी फॉर्म आपकी जो है वो क्रेनियल बोन, ये है कार्पल बोन्स है, उसका एक नाम है पीसी फॉर्म। तो सिसमॉइड बोन्स जो है वो पटेला और पीसी फॉर्म आती है
और सिसमॉइड बोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर कोई भी लेयर नहीं होती, मतलब पेरी ऑस्टियम एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ पेरियोस्टियम इन द सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन के ऊपर किसी तरह की पेरियोस्टियम नहीं होती है, जो बोन की आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं पेरियोस्टियम। तो सिसमॉइड बोन में पेरियोस्टियम एब्सेंट होती है। और दूसरा पटेला का जो शेप होता है वो ट्राइएंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्राइएंगुलर शेप होता है। और दूसरी चीज, इसका एपेक्स नीचे होता है। ये जैसे पटेला है आपका तो ये ऐसा दिखेगा, और इस नीचे वाले भाग को कहेंगे एपेक्स, ठीक है, और ये ट्राइएंगुलर इन शेप होता है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ लास्ट जो व्यवस्था है उसको कहते हैं निमोटिक, निमोटिक बोन्स। और निमोटिक बोन्स का मतलब है एक तरह की ये इररेगुलर बोन्स ही है। कैसी बोन है? इररेगुलर बोन है। और ये क्या है? एयर फिल्ड कैविटीज है। क्या है? एयर फिल्ड कैविटीज, एयर फिल्ड कैविटीज। तो इसके अंदर एयर भर जाती है। तो एयर फिल्ड कैविटीज कौन सी होती है? साइनस जो होते हैं वो एयर फिल्ड कैविटीज होती है। तो यहाँ पे वही नाम है आपका। तो पहला है मैक्सिला, मैक्सिला, स्फिनॉइड एंड द इथिमॉइड, ठीक है। चार साइनस होते हैं जिसमें अपन फ्रंटल साइनस को इसमें काउंट नहीं करते हैं। इसमें तीन नाम जो ऐड करने हैं आपको एयर फिल्ड कैविटीज में, मैक्सिला, स्फिनॉइड एंड द इथिमॉइड। तो ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर सिसमॉइड एंड द निमोटिक, एंड दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द रीजंस, अकॉर्डिंग टू रीजंस। रीजंस में अपन ने पहले ही पढ़ा था कि रीजंस को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में जो डिवाइड किया वो है एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल के अंदर जो अपने क्लासिफिकेशन किया है उसमें एक एक्सिस के अंदर, सेंटर के अंदर जो बोन्स आती है वो सब एक्सियल में आती है। तो एक्सियल में कौन कौन सी आती है? स्कल, पहली जो बोन आती है वो स्कल। तो स्कल में क्या चीज आ गई? क्रेनियम, क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स। और कौन सी आ गई? क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स। सेकेंड जो चीज है वो आ गई वर्टिब्रे, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के बाद में आपका आ गया थोरासिस। थोरासिस के अंदर स्टर्नम इंक्लूड है, स्टर्नम प्लस रिब्स। इसके अलावा आपका ईयर की बोन्स, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एक्सेल के अंदर है। तो एक्सेल में अपन कह रहे हैं कितनी टोटल एक्सेल में बोन्स कितनी होती है? तो अपन कहते हैं 80 बोन्स जो है वो एक्सेल के अंदर होती है, और रिमेनिंग जो 126 बोन्स होती है वो किसमें होती है? अपेंडिकुलर में होती है, क्योंकि टोटल बोन्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है? 206 बोन्स है। तो 206 बोन में से अपने डिवाइड किया, एक्सियल के अंदर 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स है। ये एक अपन अडल्ट की बात करें, एक अडल्ट के अंदर जो है वो 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स। अगर अपन न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर जो है वो 300 बोन्स होती है। 300 बोन्स होती है, 300 बोन्स होती है। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ऑसिफिकेशन होता रहता है, और ऑसिफिकेशन की वजह से लास्ट में जो है वो 206 बोन्स बच जाती है। तो अपन एक्सियल की बात करें, एक्सियल जो है कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स। तो 80 बोन्स की काउंटिंग कैसे है? तो 8 बोन्स तो क्रेनियम की होती है और 14 बोन्स जो है वो फेशियल की होती है। तो टोटल कितनी बोन्स होगी? 22 बोन्स आर स्कल के अंदर, 22 बोन्स होती है। वर्टिब्रे कितनी है? 26 वर्टिब्रे होती है। थोरासिस में 12 पैर ऑफ रिब्स, तो 24 होगी प्लस एक स्टर्नम हो गया 25। और ईयर के अंदर 3+3, क्योंकि 3 इस कान की और 3 इस कान की, 6 बोन्स होगी। तो ये जो टोटल काउंटिंग्स है, ठीक है, वो कितनी होगी आपकी? 80 बोन्स होगी, ठीक है। चलिए 80 बोन्स की काउंटिंग होगी। अब अगर अपन बात करें अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स आती है, तो अपेंडिकुलर में अपन कह रहे हैं लिम्स जो है, लिम्स। अब लिम्स में अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट साथ में क्या आ गया? पेल्विस आ गया, इसके अलावा स्कैपुला आ गया, स्कैपुला एंड द क्लाविकल।
तो जितनी भी अपर बोन्स में अपर पार्ट के अपर लिम्स के अंदर जो बोन्स होती है वो, लोअर लिम्स में जो बोन होती है वो, उसके अलावा पेल्विस, पेल्विस के तीन बोन्स, ठीक है, कौन कौन सी तीन बोन, इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक है, नेक्स्ट स्कैपुला एंड द क्लेविकल, ये सारी बोन जो है वो किसमें आएगी, अपेंडिकुलर के अंदर आएगी। और एक्चुअल में अपन एक बोन जो है वो भूल रहे हैं, उसका नाम है हायोइड, हायोइड बोन जो है वो किसके अंदर आती है, एक्सियल के अंदर आती है। तो ये अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द रीजंस एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। अब कुछ इन बोन्स के बारे में जो है वो स्पेसिफिक चीजें हैं वो अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ बोन के शेप के ऊपर, या कुछ बोन जो है प्रॉक्सिमल कौन सी है, डिस्टल कौन सी है। वैसे तो अपन कुछ कॉमन टॉपिक्स जो है इन बोन्स के अंदर वो अपन टैली कर लेते हैं। चलिए चलिए बात करते हैं स्कल। स्कल के अंदर जो है वो अपन पहले कह रहे हैं क्रेनियम की बोन्स होती है। तो क्रेनियम जो है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बनता है, तो अपन कह रहे हैं फ्रंटल, पैराइटल, पैराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड एथिमॉइड, ठीक है। फ्रंटल वन होती है, पैराइटल टू होती है, टेम्पोरल टू होती है, ऑक्सीपिटल वन होती है, स्फेनॉइड वन होती है, एथेमॉइड वन होती है, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल ये फ्रंटल बोन है आगे वाली, पैराइटल ये पैराइटल बोन्स है, ठीक है, टेम्पोरल ये टेम्पोरल बोन है, ऑक्सीपिटल ये पीछे जो डूब निकली हुई है, नारियल जो निकला हुआ दिखता है, ये ऑक्सीपिट है, स्पिनॉइड एंड एथेमॉइड जो है, स्पिनॉइड यहाँ होती है, एथेमॉइड भी यहाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा स्पिनॉइड जो बोन होती है इसका शेप काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बैट शेप होती है, ठीक है, बैट शेप, और इसके विंग्स जो है वो स्प्रेड होते हैं, चमगादड़ की तरह ये बोन दिखती है, ठीक है, और इसके जो है वो विंग्स जो है वो फैले हुए दिखते हैं। तो इसका आकार जो है स्पिनॉइड का वो बैट शेप दिखेगा, ठीक है, चमगादड़ की तरह दिखता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें फेशियल बोन्स की, तो फेशियल बोन्स, फेशियल बोन कितनी होती है, 14 फेशियल बोन्स होती है, जिसमें से अपन अगर बात करें तो वूमर सिंगल बोन होती है, वूमर, वूमर के बाद में मैक्सिला, मैक्सिला ये टू इन नंबर होती है, मैक्सिला का ध्यान रखिएगा ये मैक्सिला होती है, मैक्सिला का जो शेप होता है वो पिरामिड शेप दिखती है, मैक्सिला कैसे दिखती है, पिरामिड शेप, मैक्सिला इज लुक लाइक पिरामिड, और ये इररेगुलर सा शेप होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडिबल की, मैंडिबल, मैंडिबल एकमात्र फेशियल बोन है जो मूवेबल है, क्या है, एकमात्र बोन है जो मूवेबल है, इसका ध्यान रखिएगा मैंडिबल ही एकमात्र फेशियल बोन है जो मूवेबल है। और नेक्स्ट चीज है कि मैंडिबल का जो शेप होता है वो हॉर्स शू शेप होता है, हॉर्स शू शेप्ड इसका शेप होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बोन होती है वो होती है पैलेटाइन बोन्स, पैलेटाइन बोन्स, पैलेटाइन बोन जो है वो एल शेप दिखती है, कैसे दिखती है, एल शेप दिखती है, पैलेटाइन के बाद में लैक्रिमल बोन्स, लैक्रिमल बोन, नेक्स्ट इज द जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, नेक्स्ट वूमर वन, मैक्सिला टू, मैंडिबल टू, पैलेटाइन टू, टू लैक्रिमल, टू जाइगोमैटिक एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है, ये भी टू इन नंबर्स होती है। मैंडिबल जो है वो एक है, ठीक है, और नेजल बोन जो है वो टू बोन्स है, ये टोटल 14 बोन्स है, वूमर एक,
मैक्सिला पिरामिड शेप इरेगुलर होती है, टू इन नंबर्स, नेजल बोन्स आर टू इन नंबर्स, मैंडिबल एक होती है, मूवेबल बोन है एकमात्र, हॉर्स शू शेप दिखती है, पैलेटाइन बोन्स एल शेप होती है, टू इन नंबर्स होती है, लैक्राइमल टू इन नंबर्स, जाइगोमैटिक, ये जाइगोमैटिक टू इन नंबर्स, इंफीरियर नेजल कॉन्चा टू इन नंबर्स, ये 14 बोन्स होती है। तो स्कल में 8 क्रेनियम बोन्स प्लस फेशियल बोन्स 14, टोटल मिला के जो है स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स। बात करते हैं आपके वर्टिब्रे की, वर्टिब्रे 26 वर्टिब्रेज होती है जिसमें 7 सर्वाइकल 12 थोरासिस, 5 लंबर, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स, ये टोटल होगी 26। 7 सर्वाइकल में ध्यान रखिएगा कि सर्वाइकल जो 7 होती है उसमें C1 और C2 के कुछ नाम दिए हुए हैं। C1 जो होती है वो होती है एटलस और C2 जो होती है वो होती है एक्सिस। C1 एटलस है और C2 एक्सिस है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है आपकी सर्वाइकल के अंदर। सर्वाइकल की जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो C2 है और ये एक्सिस है, इसी के ऊपर जो है वो आपका हेड बोन कहलाता है, एक्सिस है, और C1 जो है वो एटलस कहलाता है। नेक्स्ट 12 थोरासिस होती है 5 नंबर, लंबर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे है, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे है, ध्यान रखिएगा इन सभी वर्टिब्रे के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, लंबर वर्टिब्रे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसमें भी जो है वो L5 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, L5 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लंबर वर्टिब्रे। सैक्रम जो है वो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे है, और दूसरी चीज है इसका जो शेप होता है वो वेज शेप्ड होता है, वेज शेप्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉकिक्स जो है वो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे, और इसका जो शेप होता है वो ट्राइएंगुलर होता है, ट्राइएंगुलर, ये रूडिमेंट्री टेल होती है आपकी कॉकिक्स। ये जो है वो वर्टिब्रे होती है 26 वर्टिब्रे। चलिए थोरासिस केज, तो थोरासिस केज के अंदर जो है वो अपन पहले तो कहते हैं स्टर्नम जो है थोरासिस केज में आता है। स्टर्नम जो है वो क्या होता है, एक स्मॉल स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक छोटी तलवार नुमा स्ट्रक्चर दिखता है स्टर्नम, और इसकी जो लेंथ अगर कहें तो 15 से 17 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स में जो ऊपर वाला सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको मैनुब्रियम कहते हैं, मैनुब्रियम, फिर होता है बॉडी, और फिर होता है ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके इसके स्टर्नम के। नेक्स्ट अगर रिब्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रिब्स, तो अपन कहते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, इसका मतलब 12 पेयर कह दो या फिर 24 ही नंबर कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट अगर रिब्स की बात की जाए इस 12 पेयर की, तो फर्स्ट टू 7 रिब्स जो है पैर, फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है, क्या होती है, ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन 7 रिब्स का अटैचमेंट जो है, जैसे ये आपका स्टर्नम है, ये यू रिब्स लगी हुई है आपकी, ठीक है, 7 रिब्स जो है वो स्टर्नम से लगी हुई है, डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से, इसलिए ट्रू रिब्स है। जबकि 8th, 9th and 10th रिब्स जो है वो फॉल्स रिब्स होती है, क्या होती है, फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों है, क्योंकि 8 का अटैचमेंट जो है वो 7 पे है, ऐसे है अटैचमेंट, ठीक है, डायरेक्टली इस स्टर्नम से अटैच नहीं है, 8, 9, 10 जो है वो 7 के ऊपर बेस्ड है, इसलिए फॉल्स रिब्स है। और 11th and 12th रिब्स जो है पैर ऑफ रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स, इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, इसलिए फ्लॉट करती है, ठीक है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो थोरासिस केज में स्टर्नम एंड द 12 पेयर ऑफ रिब्स आती है, कौन सी ट्रू है, फॉल्स एंड फ्लोटिंग है, वो अपन देखते हैं। लास्ट इसकी एक्सियल की बोन का, जिसका नाम है हायोइड बोन, और हायोइड बोन जो है वो यू शेप्ड बोन होती है, कैसी होती है,
यू शेप्ड बोन है, और दूसरा इसका कोई अटैचमेंट नहीं है, नो अटैचमेंट अटैचमेंट टू बोन्स, बोन के किसी बोन के साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है। ये जो जुड़ी हुई होती है वो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्टिलॉइड प्रोसेस, स्टिलॉइड प्रोसेस के साथ में इसका अटैचमेंट है, बाकी किसी बोन के साथ में इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। और हायोइड बोन के साथ में जो है वो आपकी टंग लगी हुई होती है, क्या जुड़ी हुई होती है, टंग जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब पेशेंट हैंग करता है, फांसी खाता है, ठीक है, सुसाइडल के लिए, तो क्या करता है, हायोइड बोन टूटती है और टंग जो है वो बाहर की तरफ दिखती है। तो ये हायोइड बोन यू शेप बोन होती है। नेक्स्ट होता है ईयर की बोन्स, ईयर बोन्स, ठीक है, 3+3, तीन इस कान की और तीन सेकेंड कान की, 3+3, तो मेलियस, मेलियस, इनकस एंड द स्टेपीज। मेलियस जो है वो हैमर शेप्ड होती है, कैसी होती है, हैमर बात की जाए तो स्टेपीज जो है, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये बोन जो है स्टेपीज जो है आपकी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी है, स्टेपीज। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो अपन कह रहे हैं कि यहां पे अपन लिम्स पढ़ लेते हैं, ये है अपर लिम्स, अपर लिम्स, और ये हो गया आपके लोअर लिम्स। चलिए अपर लिम्स में अपन बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो बोन होती है वो होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी की जो है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट होता है आपकी रेडियस, रेडियस, नेक्स्ट अल्ना, ठीक है, रेडियस जो है वो बाहर की साइड है, आउटर है, लैटरल बोन है, जबकि आपकी जो अल्ना है वो मीडियल बोन है, अल्ना। फिर आती है कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। इसके अलावा अपन कह रहे हैं क्लेविकल एंड द स्कैपुला जो है वो भी आपकी अप्रॉक्सिमिटी की बोन्स में आती है। अगर इनका स्पेसिफिकेशन पढ़ा जाए, अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि कार्पल बोन्स जो होती है, ठीक है, वो 18 नंबर्स होती है। कितनी बोन होती है, 8 कार्पल बोन्स होती है। तो 8 कार्पल बोन्स कौन कौन सी 8 कार्पल बोन्स होती है, इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल पूछा जाता है। तो अपन कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल होती है, प्रॉक्सिमल का नाम होता है स्कैफॉइड, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ये मैंने लिखी है 8 बोन्स। ये अगर बात की जाए, ठीक है, ये सारी बोन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो लैटरल से, कहां से है, ये लैटरल से है, किस तरफ जा रही है, मीडियल की तरफ जा रही है, ये भी लैटरल से मीडियल की तरफ जा रही है। ये जो चीज है ये प्रॉक्सिमल बोन्स है, कौन सी बोन है, प्रॉक्सिमल बोन्स है, और ये जो है वो डिस्टल बोन्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो लैटरल से मीडियल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये साइड जो है वो मीडियल है, ये लैटरल है, ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं प्रॉक्सिमल लैटरल की, तो यहां पर स्कैफॉइड है, फिर ल्यूनेट है, फिर ट्राइक्वाट्रल है, फिर पिसिफॉर्म है, फिर वापस यहां से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैटरल से स्टार्ट कर रहे हैं, मीडियल की तरफ जा रहे हैं और प्रॉक्सिमल
बोन ये है और ये डिस्टल बोन्स है, ये 8 कार्पल बोन्स है। इनको याद रखने के लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच अप। सबका पहला पहला वर्ड लेना है एस एल टी पी टी टी सी एन एच 8। सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच अप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का फर्स्ट लेटर आप लेंगे तो आप जो है वो लैटरल से मीडियल की तरफ जाएंगे, ठीक है, प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ हो जाएगा, ये आपका है। इसी में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसमें ये है कि कैपिटेट जो है, कैपिटेट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द कार्पल बोन। कार्पल में सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, ठीक है, तो कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी कैपिटेट है। सबसे छोटी कौन सी बोन है इस कार्पल बोन्स के अंदर, तो सबसे छोटी पिसिफॉर्म है, पिसिफॉर्म इज द स्मॉलेस्ट। ये आपकी लार्जेस्ट है और ये आपकी स्मॉलेस्ट है। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्चर हो, कोई भी अगर नीचे गिरे और बाहर की तरफ आउटर वर्ड आपका हैंड अगर नीचे आ जाए तो कौन सी बोन सबसे ज्यादा जो है वो फ्रैक्चर होगी, तो स्कैफोइड बोन जो है वो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है। फ्रैक्चर होने में सबसे ज्यादा कॉमनली फ्रैक्चर बोन जो है वो कौन सी है, स्कैफोइड। तो ये तो अपन ने बात की अपने कार्पल बोन्स की, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी 8 कार्पल बोन जिसके बारे में अपने पढ़ा। मेटाकार्पल जो है वो 5 इन नंबर्स होती है। फैलेंजेस, एक हाथ में 14 फैलेंजेस होते हैं। क्लेविकल 1 लेफ्ट की और 1 राइट की, और स्कैपुला 1+1, ठीक है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट। क्लेविकल की अगर बात की जाए, अगर क्लेविकल की बात की जाए तो क्लेविकल एक लॉन्ग बोन होती है। क्या होती है, एक लॉन्ग बोन है, पर ये लॉन्ग बोन बाकी की सारी लॉन्ग बोन जो है वो अपन ने पहले पढ़े थे लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स, उसमें सारी लॉन्ग बोन जो है वो क्या है, ऐसे वर्टिकल खड़ी है, जबकि ये एकमात्र क्लेविकल जो है वो लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है, हॉरिजॉन्टली लोकेटेड मतलब ऐसे आड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर, इस क्लेविकल के अंदर किसी तरह की कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, नो मेडुलरी कैविटी। क्लेविकल में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लॉन्ग बोन है जिसको अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, तो क्लेविकल इज द लॉन्ग बोन दैट डज नॉट हैव द मेडुलरी। बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोअर लिम्स की, एपेंडिकुलर में लोअर लिम्स की बात कर रहे हैं। तो लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स होती है, तो लोअर लिम्स में अपन कह रहे हैं पैल्विस आता है, पैल्विस, तो पैल्विस 3 बोन से मिलकर बनता है। कौन कौन सी बोन्स होती है पैल्विस के अंदर, तो अपन कह रहे हैं इलियम, इलियम, ईशियम एंड द प्यूबिस, 3 बोन से मिलकर पैल्विस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमर की, फीमर बहुत इंपॉर्टेंट बोन, क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बोन की सबसे, अपनी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है। नेक्स्ट बोन की अगर बात करें तो टीबिया, टीबिया जो है वो क्या कहलाती है, शिन बोन कहते हैं टीबिया को, क्या कहते हैं, शिन बोन। नेक्स्ट इज द फिबुला, फिबुला का ध्यान रखिएगा, फिबुला जो है वो नी जॉइंट बनाने में हेल्प नहीं करती है, नी जॉइंट में सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ फीमर और अपर पार्ट ऑफ टीबिया ही काम में आता है, फिबुला काम में नहीं आती है। फिबुला का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसमें है, मसल अटैचमेंट में रोल है, किसमें अटैचमेंट में, मसल अटैचमेंट में फिबुला का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट बात करते हैं पटेला की, पटेला, ठीक है, नी कैप के नाम से भी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, नी कैप के नाम से। और अपन ने यह भी पढ़ा था कि पटेला एक कैसी बोन है, सिस्मोइड बोन है, कैसी बोन है, सिस्मोइड बोन है। और दूसरा इसका शेप कैसा है, ट्राइएंगुलर शेप है, वेरी गुड, कैसा शेप है, ट्राइएंगुलर शेप है, और दिखेगी कैसे, ऐसे दिखेगी, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, ट्राइएंगुलर शेप है। और नेक्स्ट बोन की अगर बात की जाए तो कहते हैं टार्सल बोन्स, कौन सी बोन्स, टार्सल्स, और टार्सल्स कितनी होती है, 7 इन नंबर्स, एक लेग में 7 होगी, दूसरी लेग में 7 होगी, तो 7 टार्सल बोन्स। और इसमें भी क्रम पूछा जाता है प्रॉक्सिमल कौन सी और डिस्टल कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि टैलस, टैलस कैल्केनियम
नेविक्यूला, क्यूबॉइड एंड द क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म कितनी होती है? तीन होती है, मीडियल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड द लैटरल। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने सीज लिखी है ऐसे, ये इसलिए नहीं बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये दो बोन्स प्रॉक्सिमल होती है, ये मिडल के अंदर होती है, और ये तीनों चारों बोन जो है वो क्या होती है? डिस्टल होती है। ध्यान रखिएगा, टैलस एंड कैल्केनियम जो है वो क्या होती है? प्रॉक्सिमल बोन्स है। नेविक्यूला इन दोनों के बीच में होती है, और क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म जो है वो डिस्टल होती है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, नेविक्यूला का जो शेप होता है वो कैसा होता है? बोट शेप होता है। कैसा शेप होता है? नाव के समान होता है, बोट शेप शेप का होता है। तो टार्सल कितनी होती है? सेवन टार्सल्स होती है। और आगे बात की जाए तो मेटा टार्सल्स होती है, मेटा टार्सल्स कितनी होती है? फाइव इस लेग में, फाइव इस लेग में। नेक्स्ट इज द फैलेंजेस, फैलेंजेस कितनी होती है? 14 प्लस 14, ठीक है, 14 लेफ्ट लेग की और 14 राइट लेग की। तो ये सारी बोन्स थी जो अपन ने एपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर में आती है।